नमस्कार दोस्तों, तो एक और खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सरकारी नर्स बनने का सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो बता दो दोस्तों, ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2023, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और सरकारी एवं गैर सरकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों में आप नर्स बन सकते हैं। ANM और GNM का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इससे लेकर जेड तक। क्या इसका जो प्रोसेस होने वाला है, कितना इसका लास्ट डेट है, क्या इसका आवेदन शुल्क है, अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। झारखंड सरकार, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जी हाँ, नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का जो है निकल कर सामने आ चुका है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन पदों में कितनी वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोर्स नेम का बात कर रहे हैं, ANM और GNM का है। और ANM कोर्स आपको यहाँ पे दिया है 2 साल का है, और GNM आपका 3 साल का कोर्स होने वाला है। अब बात करें एडमिशन सेशन का, तो यहाँ पे इसका एडमिशन सेशन है 2023-24, अप्लाई मोड ऑनलाइन, और इसका अप्लाई लास्ट डेट यहाँ पे 16/6/2023 है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, झारखंड ANM GNM अप्लाई स्टार्ट डेट, इसका अप्लाई स्टार्ट डेट हो चुका है 19/5/2023 से, जी हाँ, तो 19 तारीख से। और इसका ANM GNM अप्लाई का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 16/6/2023 है। और इसका ANM GNM अप्लीकेशन एडिट एग्जाम, अगर एडिट डेट इसका जो कुछ अगर एडिट करना है तो उसका यहाँ पे दिया गया 17 से लेकर के 19 जून तक है यहाँ पे। और झारखंड ANM एंट्रेंस एग्जाम डेट, जो कि इसका एंट्रेंस एग्जाम डेट यहाँ पे दिया गया 2/7/2023, मतलब 7 तारीख को, 2/7/2023 को इसका एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, क्राइटेरिया दोस्तों। बात करें अगर एज लिमिट का, तो यहाँ पे इसका दिया गया मिनिमम एज फॉर 17 ईयर एंड 31 दिसंबर 2023, मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया 35 साल। और यहाँ पे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10+2 आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा, मतलब अगर इसका मतलब अगर आप 10+2 अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बोले झारखंड GNM कोर्स एलिजिबिलिटी का, तो इसमें भी आपका दिया गया एज लिमिट आपका है, मिनिमम है 17 साल, मैक्सिमम आपका 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ भी आपका 10+2 है, जी दोस्तों, विथ इंग्लिश, यहाँ पे इथ मस्ट हो द ऑप्शनल, मिनिमम आपका 40% इसमें आपका होना चाहिए, ये ANM का है। और बात करें इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी कुछ इस प्रकार दिया गया है, जनरल OBC EBSC का 900 रुपया हो गया, और SC ST और ऑल फीमेल का 450 रुपया, और PWD का आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, मतलब बिल्कुल मुक्त PWD के लिए। अब बात करें एग्जाम पैटर्न ANM GNM का, तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार दिया गया सब्जेक्ट, मार्क्स और लेवल के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया इंग्लिश आपका जो कि 30 मार्क्स से होगा, और लेवल आपका होने वाला है इंटर लेवल का। फिजिक्स आपका 30 मार्क का जो कि इसका मैट्रिक लेवल का, केमिस्ट्री 30 मार्क का मैट्रिक लेवल का, बायोलॉजी 30 मार्क का मैट्रिक लेवल का, मैथ्स 30 लेवल का, यह भी मैट्रिक लेवल का, जी हाँ, यही मैट्रिक लेवल का होने वाला। अब यहाँ तो हाउ टू अप्लाई झारखंड JEE ANM GNM एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट चेक द एलिजिबिलिटी फ्रॉम द झारखंड JEE ANM नोटिफिकेशन, जहाँ से इसका पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा जानकारी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जाना है ANM GNM नर्सिंग का फॉर्म 2023, इसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें जा करके क्लिक करना है, फिर अदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल आपको पूरा का पूरा डिटेल कर लेना है, इसके बाद अपलोड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फी पे फी मोड इसका फाइनल सबमिट एंड प्रिंट आउट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार दिया गया है। अगर आप एक अच्छा नर्स बनना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें, अगर आप अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना भी आपको अनिवार्य है। बात करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल TSP देवघर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।